बिहार असेंबली के बाहर झुनझुना बजाते हुए ये इंडिया इत्तेहाद के अरकाने असेंबली है। आज मरकजी बजट में जब बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान हुआ तो बिहार में अपोजिशन ने इसे झुनझुना बताया और मुखालफत में झुनझुना भी बजाया। झुनझुने का सिंबॉलिक पैगाम असेंबली के बाहर ही नहीं असेंबली के अंदर भी बुलंद रहा। आरजेडी की क्यादत में इंडिया इत्तेहाद के अरकाने असेंबली ने बिहार असेंबली के अंदर भी झुनझुना बजाया। असेंबली के अंदर से तो झुनझुना बजाने की तस्वीर सामने नहीं आई, लेकिन विधानसभा स्पीकर के बयान ने इस पर मुहर लगा दी। बंद करिए झुनझुना। झुनझुने और मुखालफत का शोर असेंबली में इस कदर बरपा था कि विधानसभा स्पीकर को मार्शल बुलाने की वार्निंग भी देनी पड़ी, लेकिन फिर भी हंगामा नहीं थमा तो असेंबली की कार्यवाही मुलतवी करनी पड़ी। लेकिन सरकार को घेरने के लिए अपोजिशन की तैयारी भी पूरी थी। राबड़ी देवी की क्यादत में अपोजिशन इत्तेहाद के अरकाने असेंबली ने असेंबली के बाहर हल्ला बोल दिया। दरअसल कल ही मरकजी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अपोजिशन ने असेंबली में हंगामा बोल दिया। हालांकि मरकजी सरकार ने बजट पेश कर सबसे ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प बिहार को दी है। अपोजिशन भले ही झुनझुना बता रहा हो, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने स्पेशल पैकेज का खैर मकदम कर लालू परिवार पर सवाल उठाया। हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए, अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। आज जितना लोग घूम रहे हैं और जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए होते लगातार सब जगह कितना पटना कहाँ कहाँ नहीं पकड़ा हुआ सब आप जानते हैं। एक तरफ आज असेंबली में हंगामा बरपा रहा तो दूसरी तरफ सड़कों पर भी कोहराम मचा। पटना में पासवान अधिकार आंदोलन ने चौकीदार की नौकरी में रिजर्वेशन के लिए मुजाहिरा किया। असेंबली की तरफ मार्च कर रहे मुजाहिरीन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।